हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए 2 रुपए का शेयर और आज की डेट में 1250-1200 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, इस स्टॉक में मतलब इससे भी ऊपर ये उछाल हुआ था, 1300-1400 के आसपास एक बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ा। पिछले कुछ टाइम में आप देख पा रहे हो कि गोल्ड के रेट्स बिल्कुल आसमान छूते हुए जा रहे हैं। अभी जब 28-29 हज़ार के आसपास था, उसके बाद जो स्पीड पकड़ी है गोल्ड ने, 40 के आसपास आना, मतलब कि बहुत जल्दी इतना उछाल आया कि लोगों ने ज्वेलरी खरीदना कम कर दिया। बोला यार रुक जाओ, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, बट ये कि शादी ब्याह में फिर भी ज्वेलरी खरीदी जाती है। तो देखिए, सारे सपने स्टॉक के चूर चूर हो रहे हैं सोने की महंगाई की वजह से, लेकिन फिर भी Q3 के नतीजे आने वाले हैं। वो नतीजे क्या कुछ हो सकता है वहां पे और कैसे पुराने नतीजे रहे, देखते हैं इस छोटे से वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में यहाँ पे हम फंडामेंटल और साथ में ड्रिल्ड टेक्निकल देखते हैं। तो अगर आपको टेक्निकल स्क्रैच से सीखना है तो जाइए मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं टेक्निकल के वीडियोस। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपको लेकर चलता हूँ स्टॉक की तरफ। ये देखिए टाइटन कंपनी लिमिटेड की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप देखोगे 2002-03 के आसपास ये स्टॉक मात्र 2 रुपये के आसपास था, और उस टाइम पर राकेश झुंझुनवाला जी ने खूब माल भरा, और आज की डेट में भी उनके पास 5000-6000 करोड़ का माल भरा पड़ा है। 1 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुका है टाइटन का। 1186 के आसपास का प्राइस है, 1186 रुपीज। डेट की बात करें तो 5000 करोड़ का डेट भी हो चुका है अब तो। प्रॉफिट ग्रोथ बिल्कुल 27%, सेल्स ग्रोथ 20% के आसपास है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर, आपको यकीन नहीं है तो ये देखिए नंबर्स। आप स्टॉक का CAGR अभी तो फिर भी करेक्शन पे है, पिछले 10 साल में 30% के CAGR से रिटर्न दिया, पिछले 5 साल में 23%, पिछले 3 साल में 46% एंड पिछले 1 साल में 15% के आसपास। पिछले 1 साल में ज़्यादा करेक्शन है। प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन्ड है पिछले 10 साल के 23%, लेकिन अब कितना प्रॉफिट हो सकता है। पिछले कुछ क्वार्टर्स की परफॉर्मेंस देखते हैं। सबसे पहले December 2018 5871 करोड़ का रेवेन्यू, December 2017 4363 करोड़ का रेवेन्यू। मतलब अगर कहीं इन नंबर से कम रहेगा तो भूचाल आएगा। प्रॉफिटेबिलिटी देखिए 288 करोड़ December 2017 और December 2018 में 413 करोड़, 413 करोड़। चलिए भाई अब देखते हैं कैसा उम्मीद है, क्योंकि अगर मैं सेप्टेम्बर के रिजल्ट देखूँ तो सेप्टेम्बर के रिजल्ट भी फ्लैट रहे, बल्कि गिरे ही हैं। अगर मैं जून के रिजल्ट देखूँ तो जून के रिजल्ट आप क्लियर कर देख सकते हो तो किस तरीके से हल्का सा जंप यहाँ पे देखने को मिला, और उससे पहले मार्च तक सब कुछ सही था, और उसके बाद अभी सितंबर में नंबर्स कम रहे हैं। और ये क्वार्टर जो है वो क्वार्टर है जहां पे सबसे ज्यादा ज्वेलरीज बिकती हैं। अगर आप देखें यहां पे दिसंबर का रिजल्ट देखते हैं, देखिए सबसे ज्यादा ज्वेलरीज इस टाइम फ्रेम में बिकती है। क्यों? क्योंकि December 2018 413 करोड़ का प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा फेस्टिव सीजन जो अक्टूबर नवंबर का टाइम है वो इसी क्वार्टर में जाता है, जब आपका धनतेरस, दिवाली, दशहरा, सब चीज़ें, सारे फेस्टिवल्स आते हैं, तो अच्छी खासी सेल इस टाइम पे होती है ज्वेलरीज एंड ऑल की। तो भाई ज्वेलरी वाला शेयर है ये, ज्वेलरी नहीं और भी कई सारे ब्रांड्स इसके अंदर आते हैं, वॉचेज हैं, ज्वेलरीज हैं, आईवेयर हैं, ये सब टाइटन के अंदर आते हैं। चलिए देखते हैं टाइटन को आगे डिटेल में। और पहले कल की डेट यानी कि 3 फरवरी 2020 यहाँ पे हल्का सा मामूली सा जंप आया था। इसका मतलब लोग इतने एक्साइटेड नहीं हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए। 70% की डिलीवरी जरूर देखने को मिली थी, हल्का सा मामूली सा जंप है। अब देखते हैं हम शेयर के टेक्निकल को, समझें जरूर, टेक्निकल बेसिक है भाई, समझें। ये देखिए मंथली चार्ट से स्टार्ट करता हूँ मैं। 2003 के आसपास इस स्टॉक का बॉटम देख लीजिए आप, 2 रुपये के आसपास थे। ये मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट इसलिए ताकि हमारे पास आगे 15-20 साल के डाटा को हम देख पाए कि क्या कुछ रहा है, कैसा ट्रेंड इसका रहा है, किस तरीके से करेक्शंस इसमें आई है टाइम टू टाइम पे। उसके बाद जंप आया, जंप आने के बाद 2003-04 के बाद एक बड़ा करेक्शन आया था। बड़ा करेक्शन मैं इसको कहूँगा क्योंकि स्टॉक का जो हाई उस टाइम पे था 7 रुपये के आसपास से स्टॉक गिर के वापस 4 रुपये के आसपास गया। आप देख सकते हो कि किस तरीके से करेक्शंस आए हैं। और जैसे कि कोई भी स्टॉक है भाई, चाहे कोई भी चार्ट हो, किसी भी को भी उठा लो, ट्रेंड अगर चाहिए लंबे टाइम तक तो भी बीच बीच में करेक्शंस भी चाहिए। ये देखिए जंप हुआ फिर नीचे आया, क्योंकि जब करेक्शंस आते हैं प्रॉफिट बुकिंग भी होती है, लोग फिर दोबारा से बाइंग करते हैं। देखिए फिर उसके बाद जंप आया, ये बड़ा करेक्शन था 2008-09 का। इस स्टॉक में भी ऑलमोस्ट 90 रुपीज़ के लेवल से गिर के ये पहुंचा था 33 रुपीज़ के लेवल पर। उसके बाद जो पकड़ इसने दिखाई है ये देखिए क्लियरली बहुत ही बेहतरीन जंप। बीच बीच में करेक्शंस आए हैं नो डाउट, करेक्शन के बाद बढ़ता हुआ शेयर अभी के टाइम पे कहाँ पे है।
और दूसरी चीज, इस स्टॉक को जरा ध्यान दें, यहाँ पे जो ब्रेकआउट लेवल है, जो हम कहते हैं ब्रेकआउट मतलब पुराने पॉइंट को पार करना, ये देखिए ये वाला ब्रेकआउट, क्या करेक्शन आया, ऊपर गया, फिर से करेक्शन आया और ये ब्रेकआउट हुआ ऑलमोस्ट 2017 मार्च में, क्या रैली आई उसके बाद। देखिए स्टॉक ने जब बॉटम बना रहा था, ऑलमोस्ट सिमिलर बॉटम बनाया 300 की रेंज में, फिर क्या रैली आई, उसके बाद स्टॉक जंप लिया, जो करेक्शन आया, करेक्शन के बाद फिर से जब ब्रेकआउट आया, ये देखिए ये पॉइंट है फरवरी 2019 का जंप आया, लेकिन इतनी बड़ी लाल कैंडल अभी देखने को मिल रही है, देखिए बड़ी लाल कैंडल देखने को मिली, स्टॉक ने फिर जंप लिया, इक्वल हाई बनाया है, बाकी हम देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम में। ये देखिए अब छोटा टाइम फ्रेम हमारे पास क्या है, वीकली, वीकली चार्ट में मैं हमेशा कहता हूँ आपको, देखिए स्टॉक जब करेक्ट होता है, ये देखिए बिल्कुल ये हमारा ज्वाइंट कैंडल है, इसके अगल बगल आप देख सकते हो, लेवल वन का ज्वाइंट हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि सपोर्टिंग कैंडल, लेवल टू का ज्वाइंट, लेवल टू का ज्वाइंट है, जब ऐसी चीज़ें हमको देखने को मिलती है तो भाई हम देखते हैं कहाँ पर हमारे ज्वाइंट कैंडल के हाई को पार किया जा रहा, तोड़ा जा रहा है, तो वो ये लेवल है 820 का। 820 के पास कोई भी इसमें लॉन्ग होने की सोच सकता था अगर वीकली चार्ट के हिसाब से देखा जाए, और स्टॉप लॉस कितना था 732 के आसपास का, बिलो ऑफ द जॉइंट कैंडल, उसके बाद देखिए क्या जंप आया, अमेजिंग जंप, बहुत ही बेहतरीन जंप। लेकिन अब देखिए स्टॉक ने जो गिरावट दी और वहां पे फिर से हमारी जॉइंट कैंडल बनी और लेवल टू का जॉइंट जरूर बना और रैली दिखाई इसने, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये हाई जो था 1345-40 के आसपास का, ये पार जरूर हुआ, लेकिन खाली लंबी अपर शेडो देखने को मिली, लंबी अपर शेडो मतलब भाई खतरे की घंटी, और स्टॉक देखिए वापस नीचे आया, कितनी बड़ी लाल कैंडल बनी है ये 4 नवंबर वाले वीक में। स्टॉक फिर से मैं कहूँगा एक ऐसी एक रेंज ट्रेडिंग चल रही है यहाँ पे, कंप्लीटली रेंज ट्रेडिंग। और अगर मैं यहाँ पे डेली चार्ट पे आपको दिखाऊं, क्योंकि डेली चार्ट पे हमको और पिक्चर यहाँ पे क्लियर होगी, देखिए बिल्कुल वी बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन स्टॉक वापस आया है, और ये देखिए मान के चलिए कि 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास, ये जो ब्लू लाइन है 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है, उसी के आसपास होवर कर रहा है, तो स्टॉक क्रिटिकल पॉइंट पे जरूर है। और रिजल्ट से पहले भी कोई हलचल इसमें ज़्यादा देखने को नहीं मिली है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आप इसमें रिजल्ट के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंडेंसी रहेगी, रिजल्ट अच्छा आता है तो नो डाउट यहाँ पे शेयर में जंप हो सकता है, लेकिन जंप होने से पहले अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एक पर्टिकुलर लेवल है, उसको पार होने के बाद ही इसमें लॉन्ग हुए तो अच्छा है। पर्टिकुलर लेवल की मैं बात करूँ तो 1230 से लेके 1240 की रेंज टूटे तभी हमें एक दिखेगा कि हाँ हमारा हायर हाई फॉर्मेशन बन रहा है। लेकिन उसके लिए भी जिस तरीके से सोने में, क्योंकि इस स्टॉक के गिरने का मेजर कारण इसका जो है बैक साइड देखो जरा समझो कि सोने में महंगाई भी ऊपर कैसे जाएगा, तो इसके लिए मेजर रीजन अगर आप और देखें तो ज़्यादा टारगेट ना ले इसमें, स्टार्टिंग का टारगेट ये जो गैप है ना, पूरा का पूरा गैप डाउन पैटर्न बना था, इस गैप का ऊपर 1280 के लेवल तक ही टारगेट लें स्टार्टिंग में, इसको पार किया जाए तो फिर आगे आप सोच सकते हो हाँ भाई स्टॉक में कुछ स्ट्रेंथ दिख रही है। फिलहाल स्टॉक में मुझे बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, क्लियर कट आप भी उसको देख पा रहे हो कि स्टॉक बिल्कुल कंसोलिडेट हो रहा है, ये देखिए कंसोलिडेट हो रहा है, और अगर आज रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो ये स्टॉक नीचे अपने लो को तोड़ने की कोशिश करेगा। पहला लो हमारे पास 1130 की रेंज में है, दूसरा देखिए 1120 से 1130 की रेंज का लो है, अगर ये टूटता है तो ये क्रिटिकल लेवल है और स्टॉक बिलो जाने की कोशिश करेगा और हमारे पास 1030 के लेवल से अराउंड जा सकता है। देखिए ये टेक्निकल्स में हम लोग जब देखते हैं तो अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो नेगेटिव का भी पूरा का पूरा हम सोचते हैं कि कहाँ पे क्या स्टॉप लॉस है, क्या सपोर्ट्स हैं, किस रेंज में ये स्टॉक जा सकता है, मार्केट के स्ट्रक्चर्स को हम ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे फंडामेंटल में ऐसा जनरली हम देखते हैं अच्छा स्टॉक है, लेकिन भाई रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो कैसा जाएगा, क्या कारण है पीछे से भाई, जैसे फंडामेंटल वाइज देखा जाए तो इसके गिरने का कारण क्या था, सोने की महंगाई सिंपल, क्योंकि तनिष्क इसका जो मेजर है, सोने का काम इसका, वहाँ से मेजर रिवेन्यू आता है, जब सोना ही अच्छा नहीं होगा। और अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे लास्ट ईयर की बात थी, कंपनी ने खुद कहा था, ये बात जुलाई 2019 के आसपास की है, कंपनी ने खुद ही कह दिया था अपनी मीटिंग्स में, यार सोने की महंगाई हो गई है, हमारे रेवेन्यू इंपैक्ट होंगे, और शेयर देखिए उसी टाइम पे ऐसे ही गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, बड़ा गैप आप देख पा रहे हो, ये गैप भर नहीं पा रहा है, ये गैप वही गैप है, मैं कह रहा था ना जो आपसे, ये गैप उसी तरीके से दोबारा ये गैप आया है, तो भाई सोचने की बात जरूर है। लेकिन अगर मैं आवरली चार्ट पे देखूं तो मुझे क्या कुछ देखने को मिल रहा है, देखिए आवरली चार्ट पे भी मैं कहूंगा कि हल्की सी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, लेकिन ये आप देख पा रहे हो ये 1 फरवरी को बड़ी अपर शेडो, स्टॉक ने ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन नीचे धकेल दिया गया। आवरली चार्ट पे भी क्रिटिकल पॉइंट ये जरूर है कि ये 1200 के इस लेवल को पार करे, पहले तो 1200 के लेवल को पार करे, क्योंकि 1200 इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग हिंड्रेंस पॉइंट है, ये देखिए 1 2 3। तो इस तरीके से आप ऑब्जर्व कीजिए चार्ट्स को, समझिए चार्ट्स को, ये टाइटन कंपनी की
हमने बात करी, ये जो बड़ा शेयर है टाइटन कंपनी लिमिटेड और 1 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, आज की डेट 4 फरवरी को इसका रिजल्ट आने वाले हैं। रिजल्ट से पहले मैंने आपको बता दिया है चीज़ें, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी, साथ में वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।